वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकॉन। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रोल्स। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तो तब तक हम चिकन को रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया है, इसमें हम डायरेक्ट चिकन को डाल देंगे। इसमें मैंने 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर लिया है। इसको हमने इसकी जूस में पकाना है स्लो फ्लेम पे, और जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तो हम पराठे को बेल लेते हैं। तो मैंने पहले छोटी छोटी रोटियां तैयार कर ली हुई हैं। तो ये हमारी रोटियां रेडी हो चुकी हैं, और इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े आटे छिड़क दूंगी, फिर एक के ऊपर एक रोटियों की तह बना दूंगी। मैंने 5 रोटियां एक साथ ली हैं। इसको आप जितना पतला करेंगे आपका रैप उतने ही अच्छे तैयार होंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो सिंगल सिंगल पतली रोटियां बेल के भी रैप तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल वाला रैप भी रेडी है। इसको हम
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मेरी मेयोनीज़ की एक लेयर चिकन की और उसमें मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ऐड की हैं। फिर हम आटे के ग्लू से इसको चिपका देंगे, इसका अच्छा सा रोल बना लेंगे। तो आप इस रैप में मनपसंद सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं या बिना सब्ज़ियों के सिर्फ चिकन रोल ही बना सकते हैं। सो ऑयल मैंने गरम कर लिया है, हम इसमें अपने रैप रोल्स को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको स्टर फ्राई भी कर सकते हैं। सो आपको रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।